ऑलरेडी जो है अभी कंप्लीट इसका प्रोसेस हो चुका है कंडक्ट होके ही रहेगा जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको इग्नोर कीजिए और मेन है अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए ठीक है क्योंकि ये बार बार टाइम आपको नहीं मिलने वाला है और हमने सीरीज स्टार्ट की थी टॉप हंड्रेड पी वाई क्यूज़ जो आप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और जिसमें हमने ऑलरेडी दो पार्ट इसके लाए हुए हैं ये थर्ड पार्ट रहने वाला है जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में विद इन फिफ्टीन मिनट्स आपके टॉप ट्वेंटी फाइव से थर्टी क्वेश्चन हम कम्प्लीट करने वाले हैं बिना जो है डिस्कस करे जस्ट हमने क्वेश्चन करने और आपने इसका सही आंसर गैस करना है ठीक है क्योंकि अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप जो है अभी उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन भी सुनो ठीक है तो जिसको सही आंसर आता होगा ठीक है जिसको नहीं आता होगा वो जो है सही आंसर देखिए और पेपर में उसको गलत नहीं करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से आपने लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जाम्पल बतानी है सी प्लस प्लस पाइथन प्रोलॉग और जावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत जो इजी है वो मैंने एक भी यहाँ पे ऐड नहीं करा हुआ है क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वहाँ इसी वजह से मैंने आपको ट्राई करा है कि जितने मुश्किल क्वेश्चन है एक वीडियो में लेके आ सकूँ इसका राइट right आंसर है आपका प्रोलॉग जिसको नहीं आता नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर द इमेज और वीडियो इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऐसी इनपुट डिवाइस जो कैप्चर करती है इमेज या वीडियो कंप्यूटर सिस्टम में उसे क्या बोलते हैं वेब कैमरा स्कैनर वेब पेज और प्रिंटर ये इजी क्वेश्चन है तो इसको आप सबको सही गैस करना है इसका राइट right आंसर है आपका वेब कैमरा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम एस एक्सएल ट्वेंटी नाइनटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज़ की इज़ यूज टू गो टू द व्यू टैब अगर आपने व्यू टैब में जाना है एम एस एक्सएल दो हज़ार उन्नीस का जो वर्जन है कौन सी शॉर्टकट की आपकी यूज़ होगी ऑल्ट प्लस डब्ल्यू कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ऑल्ट प्लस वी और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका राइट आंसर है आपका ऑल्ट प्लस डब्ल्यू ये बहुत बार रिपीट हुआ है चांसेस हो जाते हैं इसको रिपीट होने के शॉर्टकट कीज के ऊपर आपको अच्छे से क्वेश्चन करके जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द फाइल्स ऑन दिस सो दैट ऑल द डेटा इज एडइंट पहले आपको पता है कि जब आप उसको अरेंज अरेंज होती है तो आप उसको फ्रेगमेंट करते हो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हो लेकिन फिर से आप जब उसको अरेंज दोबारा से करते हो उसको हम क्या बोलते हैं जिससे आपका सारा का सारा डेटा दोबारा से रीजॉइन हो जाता है जैसे कि आपका डी डिस्क शॉर्टिंग डिसरियलाइजेशन और डिस्क फिल्टरिंग तो मैंने इसका अभी एक्सप्लेन किया जिसका राइट right आंसर आपका डी फ्रेगमेंटेशन पहले आप फ्रेगमेंट करते हो देन फिर उसको अरेंज करते हो दैट इज नोन एज डी फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम एस एक्सएल टू थाउजेंड सेवन विच ऑफ द फॉलिंग रिबंस इज़ यूज टू चेंज द थीम कलर्स फॉन्स एंड अदर विजुअल इफेक्ट्स इन अ फाइल दो हज़ार सात वर्जन जो है इसमें से बताइए कौन सा रिबन यूज होता था थीम कलर फॉन्ट वगैरह को फाइल में चेंज करने के लिए इफेक्ट्स लाने के लिए पेज लेआउट डिजाइन व्यू और नन ऑफ दब इसका राइट आंसर है आपका पेज लेआउट में जाके आप ये सब चीजें करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम एस एक्सएल टू थाउजेंड टेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल अलोज यू टू हाईलाइट द टॉप और बॉटम नंबर्स और पर्सन इन सेलेक्टेड टेक्स्ट आपने इसमें से बताना है कौन से ऑप्शन आपको अलो करते हैं हाईलाइट करने के लिए टॉप या फिर बॉटम नंबर्स को या फिर परसेंट को अगर आपने कोई भी सेल सिलेक्ट किया है वहाँ पे आपने सिर्फ परसेंट को सिलेक्ट करना है या सिर्फ टॉप या बॉटम के नंबर सेलेक्ट करने हैं ऑप्शन है बार्स कलर स्केल्स टॉप बॉटम रूल्स और हाईलाइट सेल रूल्स जल्दी से आंसर बताइए इसका राइट right आंसर आपका टॉप बॉटम रूल्स जो है इस ऑप्शन पे जाके आप ये सिलेक्ट कर सकते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों को इसका राइट right आंसर नहीं आता होगा तो इसी वजह से ये आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम एस वर्ड सुपर स्क्रिप्ट आउटलाइन एंड स्ट्राइक दो आर सेट टू बी डैश एम एस वर्ड में ये सब जो है इनको क्या बोला जाता है टेक्स्ट इफेक्ट्स फॉन्ट इफेक्ट्स वर्ड इफेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट तो ये सब हम किस पे करते हैं फ़ॉन्ट पे लगाते हैं ना तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट इफेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप ध्यान से पढ़ के जाइए इसको इन एम एस एक्सएल टू थाउजेंड टेन सेल होल्ड जो सेल है वो क्या होल्ड कर सकता है फॉर्मूला ओनली या सिंगल वैल्यू ओनली या लेबल ओनली या फिर ऑल ऑफ दी अबब सेल में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबब नेक्स्ट इन एम एस वर्ड टू थाउजेंड टेन फाइंड कमांड कैन हेल्प अस टू फाइंड जो फाइंड कमांड है इससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो टेक्स्ट ओनली इक्वेशन ओनली ऑल ऑफ दी अबव या फिर इमेजेस ओनली तो अगर आपने कुछ फाइंड करना हो तो इक्वेशन थोड़ी ना फाइंड करोगे आप सिर्फ टेक्स्ट ही फाइंड कर सकते हो एम एस वर्ड में ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए ये आपकी एक्सेल में आ जाती है इमेजेस आप फाइंड नहीं करते हो आप इंसर्ट करते हो ठीक है ये आपको पता होना चाहिए एमएस वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस इसमें से कौन सी है स्लाइड रूल एबेकस कैलकुलेटर और कैलकुलेटिंग मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी है ये क्वेश्चन ये सबको आना चाहिए राइट आंसर इज एबेकस ठीक है एबेकस इज द सिंपलेस्ट एंड ई अर्लिएस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो पाँच मिनट में हमने दस क्वेश्चन कर लिए तो जल्दी से अभी हाँ हम दस मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं विच वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी एल पी इन थ्री डी प्रिंटिंग थ्री डी प्रिंटिंग में डीएलपी की फुल फॉर्म क्या है डिजिटल लेजर प्रिंटिंग डायरेक्ट लाइट प्रिंटिंग डिस्प्ले लाइट प्रिंटिंग और डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आप अच्छे से इसको नोट कीजिए ये सब एक जैसे आपको लग रहे हैं प्रिंटिंग प्रिंटिंग ये प्रोसेसिंग वाला है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग ठीक है लेजर से कंफ्यूज नहीं होना है आपने लाइट होगा वो, वो आंसर सही है इसका राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ़ दी फॉलोइंग आर न्यू फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट हैव हैवॉल्व्ड वेस्ड ऑन सोशल मीडिया तो अब नए तरीके के एडवर्टीजमेंट आपको मिलते हैं जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो क्या क्या दिखता है आपको उसमें सोशल मीडिया कैंपेन दिखते हैं पुश मैसेजेस दिखते हैं ठीक है आपको वो आ, मतलब आप वहाँ पे जब भी, भी कोई ऐसी एक्साइटिंग चीज़ आपको दिखती है तो आप मजबूर हो जाते हो उस पर क्लिक करना ठीक है या फिर क्लिक पे ही आप पे कर देते हो ये सब आपके एडवर्टीज एडवर्टाइजिंग की ये नई फॉर्म्स हैं जो कि सोशल मीडिया में डेवलप हुई है इवॉल्व हुई है या फिर ऑल ऑफ़ दी अबब ये सब ये सब इसके एग्जाम्पल हैं इसी वजह से इसका राइट right आंसर है ऑल ऑफ़ दी अबब नेक्स्ट क्वेश्चन टैब इज करेक्ट न्यू स्लाइड आपको होम में दिखता है स्लाइड बैकग्राउंड डिजाइन में दिखता है आपको बताना है दिखता है या नहीं दिखता है ओनली वन नीदर वन आर टू बोथ वन आर टू एंड ओनली सेकेंड तो ये आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन होम में दिखता है ठीक है और स्लाइड बैकग्राउंड आपको डिजाइन में दिखता है तो ये सब आपके हैं आपके बोथ वन एंड सेकेंड ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया द न्यू मीडिया आर्ट फॉर्म हैज़ एक्सपेंडेड बाई इट सेल्फ कौन कौन सी मीडिया फॉर्म अभी एक्सपेंड हुई है सोशल मीडिया के आने से आर्टिस्टिक कम्प्यूटर गेम्स डिस्प्ले पोइट्री विजुअल आर्ट इसके ऑप्शन है वन एंड सेकेंड ओनली वन सेकेंड एंड थर्ड वन टू एंड थ्री द राइट आंसर इज़ वन टू एंड थ्री ये तीनों के तीनों जो है आर्ट फॉर्म जो है एक्सपैंड हुए नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर वेब ब्राउजर कुकीज़ कुकीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं वेब ब्राउजर कुकीज़ इट इज़ अ वायरस ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन पे पढ़िए ठीक है और हम सिर्फ इसका राइट आंसर करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी आई होप आपने ये सारा का सारा पढ़ लिया होगा इसका राइट आंसर है ये एक छोटी सी फाइल होती है जिसमें यूज़र जो जो ब्राउज करते हैं वो डेटा यहाँ पे होता है ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंट एंड मदर बोर्ड डज नॉट इंक्लूड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फंसते हैं वहाँ पे इनको ध्यान से पढ़िए सी मोस्ट बैटरी चिप प्रोसेसर चिप और ग्राफिक कार्ड इनमें से कौन से कंपोनेंट जो है मदर बोर्ड में इंक्लूड नहीं होते ये भी होता है ये भी होता है और प्रोसेसर चिप भी होती है इसका राइट आंसर इज ग्राफिक कार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश इज़ डिवाइडिंग डिस्क ट्रैक इंटू सेक्टर्स दैट द डिस्क कंट्रोलर कैन रीड एंड राइड बिफोर अ डिस्क कैन स्टोर डेटा इसमें आप डिस डिस्क को सेक्टर को ट्रैक्स को आप सेक्टर में डिवाइड करते हो ठीक है तो उससे क्या होता है कि जो डिस्क कंट्रोलर है वो उसको रीड राइट कर सकता है जब तक जब डिस्क उसको डेटा को स्टोर करता है उसके पहले ही वो उसको रीड राइट कर सकता है ठीक है ऑप्शन ऑफ पार्टिशनिंग स्वैप स्पेस क्रिएशन लो लेवल फॉर्मेटिंग और हाई लेवल फॉर्मेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप इसको ध्यान से पढ़िए इसका राइट आंसर है आपका लो लेवल फॉर्मेटिंग होती है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग की बोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मूव थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स गोइंग टू द राइट इन क्रोम ब्राउजर जब आप क्रोम ब्राउजर यूज़ करते हो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो आपको मूव करने में हेल्प करती है जितने भी ओपन टैब्स होते हैं वहाँ पे उनके बीच में आप मूव कर सकते हो ऑल्ट प्लस एंड कंट्रोल प्लस एंड ऑल्ड प्लस टैब और कंट्रोल प्लस टैब तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस के हो जाते हैं इसका राइट right आंसर आप सभी को आना चाहिए दैट इज़ कंट्रोल प्लस टैब कंट्रोल प्लस टैब इज़ द राइट आंसर ठीक है यहाँ पे आप ओपन टैब्स के बीच में शिफ्ट कर सकते हो मूव कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन

तो सबसे नीचे बॉटम में जाके आपको राइट में ही जूम बार दिखता है तो ये इसका राइट आंसर है बॉटम राइट सारे के सारे फंक्शंस आपको करके जाने हैं नेक्स्ट द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन ये ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन की जो शॉर्टकट की है ये किसके लिए यूज होती है सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने है जल्दी से आंसर पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए काफ़ी इजी भी है ये इसका राइट आंसर आपका स्क्रीनशॉट क्रिएट करती है करंट प्रोग्राम के लिए अब देखिए आप 10 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं बचे हैं पांच क्वेश्चन जल्दी से हम उसको भी कंप्लीट करेंगे तो आप जुड़े रहिए क्लास पूरी कंप्लीट दे के जाइए नेक्स्ट द शॉर्टकट डैश हेल्प्स टू एक्सेस दी फाइल मैन्यू इन दी करंट प्रोग्राम कौन सी शॉर्टकट की है आपको फाइल मेन्यू एक्सेस करने में हेल्प करती है जो भी आप करंट प्रोग्राम यूज़ करते हो ऑल्ड प्लस एंटर ओल्ड प्लस टैब ओल्ड प्लस ई और ऑल्ड प्लस एफ़ तो ये इंपॉर्टेंट है ये आपने गलत करके नहीं जाना है इसका राइट right आंसर है आपका ऑल्ट प्लस एफ इससे आप फाइल मैन्यू ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट इन विंडोज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड कम ईजी क्वेश्चन है तो ये ध्यान से पढ़ना है ये सब कीज़ के ऊपर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए तो ये कीज़ जो है इनको क्या बोला जाता है स्पेशल कीज़ लॉक कीज़ विंडोज़ कीज़ और मॉडिफायर कीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इज साइट आंसर मॉडिफायर ठीक है ये आप पता होना चाहिए विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स यूनिक्स जो है कौन सी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है अब यूनिक्स लाइन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं इनको पढ़ के जाइएगा इनके फाउंडर कौन है ठीक है और ये कब आए थे और ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर ये सब आपने पढ़ के जाना है ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये है सिंगल टास्किंग मल्टी टास्किंग सिंगल यूजर और मोबाइल ऑपरेटर तो द राइट आंसर इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश अलोज यू टू क्रिएट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग एंड चार्ट वेरी क्विकली तो क्या है इसमें से आपको अलो करता है कि आप कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग और चार्ट को बहुत ही जल्दी क्रिएट कर पाओ फार्मूला ट्रेस टूल क्यूक एनालिसिस टूल फार्मूला एडिट टूल और क्यूक चार्ट टूल इनमें से क्या आपको हेल्प करता है सो द राइट आंसर इज क्यूक एनालिसिस टूल ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप इग्नोर मत कीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके चांसेस हो सकते हैं आने के क्योंकि आपको पता है अगर पंद्रह क्वेश्चन आपको आने हैं पेपर में तो पंद्रह में से बारह क्वेश्चन सबको आते होंगे ऐसे बचे तीन क्वेश्चन वो ही तीन क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर है आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने के तो वो तीन क्वेश्चन जो हो फंसने वाले हैं वो मैंने कोशिश करी है कि इनमें से कोई आपको पूछ लिया जाए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछते हैं तो इतने मुश्किल नहीं होते हैं बट बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते इसी वजह से वो स्किप हो जाते हैं क्वेश्चन विच मेमरी इज इंटरमीडियरी बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर ये भी जे एस एस बी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है तो दे, देख लीजिएगा ई पी रोम कैश मेमोरी, प्रो पी रोम और रोम ठीक है ये हैं आपकी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम की टाइप्स है ये कैच मेमोरी अलग है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी ये सब इसकी टाइप्स हैं एक और भी होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये सब रोम की टाइप्स हैं ठीक है थीके? तो अब रैम की क्या है डायनेमिक एंड स्टैटिक ये सब आपको पता होना चाहिए रैम क्या है आपकी वॉलेटाइल है और रोम है आपकी नॉन वॉलेटाइल ये भी आप पता करके जाइएगा और जो प्रोसेसिंग होती है वो रैम में ही आपको पहले लाना होता है डेटा उसके बाद वो प्रोसेसिंग होती है तो इसका राइट right आंसर है आपका कैश मेमोरी ठीक है कैश मेमोरी आपके रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है ये आपको मेन चीज़ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान से पढ़ के जाइए और आज हमने किए टॉप ट्वेंटी फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट कम टफ और रिपीटेडली क्वेश्चन जो पूछती है जेके एस एस बी तो आपको इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे का सारा जो हंड्रेड एम सी क्यू सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे वहां पे भी हम फिफ्टीन मिनट्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो आप भी सेम टाइम पे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़िए क्योंकि वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा इसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ठीक है और जीके की क्लासेस जो जो भी आ रही है मॉक टेस्ट हमने एक मिनी मॉक टेस्ट मैंने लाया था जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाया है वो जल्दी से जाके वो लेक्चर ज़रूर दिखिए और उसके बाद और भी जितनी वीडियोज़ हैं उनको भी जाके ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें आप आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट जेके एस एस पी अटा सिक्स वन फोर